नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको शकुरपुर मेट्रो स्टेशन के बारे में बताएंगे। शकुरपुर मेट्रो स्टेशन आपका पिंक लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पर स्थित है और इस मेट्रो स्टेशन की आपकी शुरुआत मार्च 14, 2018 को हुई थी और दिन भर में कम से कम 10 से 15,000 लोग इस मेट्रो स्टेशन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस मेट्रो स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मेट्रो मिलेगी मयूर विहार पॉकेट 1 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको मेट्रो मिलेगी मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ। इस मेट्रो स्टेशन पे आपकी पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर अपनी आप कार और बाइक पार्क नहीं कर सकते। इस मेट्रो स्टेशन पे एटीएम की फैसिलिटी भी आपकी अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे एग्जिट गेट के बारे में। शकुरपुर मेट्रो स्टेशन के दो एग्जिट गेट है। गेट नंबर 1 से आप बाहर निकलेंगे शकुरपुर कॉलोनी एमसीडी पॉलीक्लिनिक। गेट नंबर 2 से आप बाहर निकलेंगे आनंद वास शकुरपुर शकुरपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। अब हम बात करेंगे फर्स्ट और लास्ट मेट्रो की। जो सुबह सुबह आपको सबसे पहली मेट्रो मिल जाएगी इस मेट्रो स्टेशन की, वो आपको मिलेगी सुबह 6 बजे और जो लास्ट मेट्रो मिलेगी वो आपको 12 बजे मिल जाएगी। दोस्तों, इस मेट्रो स्टेशन से अगर आपको राजीव चौक जाना हो तो 36 मिनट लगेंगे और आपका जो टोटल फेयर होगा वो 40 रुपये लगेगा। आपको शकुरपुर मेट्रो स्टेशन से पिंक लाइन पकड़नी है और आपको रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर चेंज करना होगा। रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से आपको ब्लू लाइन पकड़नी होगी और आपको राजीव चौक पहुँच जाएंगे दोस्तों, और आपका टोटल टाइम लगेगा 36 मिनट। इस मेट्रो स्टेशन पे आपका मेट्रो कार्ड वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ से अपना आप टोकन वगैरह निकाल सकते हैं और आपका फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।